देश भर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रोजाना कई मामले सामने आते रहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा महिलाएं शिकार होती हैं। एक ऐसा ही मामला झारखंड से भी सामने आया है, जहां एक लड़की को 4 साल पहले उठा लिया गया था और अब जाकर एक एनजीओ की मदद से वो अपने घर पहुंची है। 4 साल बाद बेटी को देखते ही पिता की आंखें भर आई हैं और वो अपनी बेटी को सीने से लगाकर रो पड़े। यही हाल लड़की के भाई का भी था। मिशन मुक्ति फाउंडेशन की टीम ने बिहार के मोतिहारी जिले के पिपरी कोठी थाने की सहायता से धनबाद की एक लड़की को आकेस्टा चालक की कैद से आज़ाद कराया, जिसे 4 साल पहले बेहोश करके उठा लिया गया था। दरअसल 22 मार्च 2017 की शाम धनबाद की रहने वाली एक लड़की स्टेशन पर दोस्तों के साथ घूम रही थी। वहां एक युवक ने उसे कुछ सुंगा दिया, लड़की बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वह एक बस में थी। लड़की को होश आता देख युवक ने उसे फिर से कुछ सुंगाया। उसके बाद जब लड़की को होश आया तो उसने खुद को मोतिहारी से 15 किलोमीटर दूर पिपरी कोठी में पाया और पता चला कि उसे 1,20,000 रुपये में बेच दिया गया है, जिसके बाद उसे घर के काम करवाने के अलावा आकेस्टा पार्टी में नचवाया जाता था। वहीं मिशन मुक्ति फाउंडेशन की सलाहकार पल्लवी ने क्विंट से बातचीत में बताया कि जब हम एक दूसरी युवती के रेस्क्यू के लिए बैत्यारी पहुंचे, तब हमें पता चला कि धनबाद की एक लड़की पिपरीकोठी में बिकी है। हमने तुरंत धनबाद SP से संपर्क किया। इसके बाद लड़की के पिता से संपर्क हुआ, फिर लड़की के रेस्क्यू की कोशिश शुरू हुई, लेकिन आज जाकर सफलता मिली। इन 4 सालों के दौरान उसे मजदूरों की तरह व्यवहार किया गया। उसे आकेस्टा में नचाया जाता था, जिसकी बुकिंग करीब 60,000 रुपये होती थी। पल्लवी ने आगे बताया है कि जब लड़की के रेस्क्यू के लिए स्थानीय पुलिस रेड डालती थी तो वो नहीं मिलती थी, क्योंकि लड़की को उठाने वाले लोग उसे अपने रिश्तेदार के यहाँ छिपा देते थे। लेकिन जब पुलिस ने सरपंच पर दबाव डाला कि अगर लड़की नहीं मिली तो पूरे घर वालों को अरेस्ट कर लिया जाएगा, तब लड़की 10 जनवरी की सुबह मिली। फिलहाल 4 साल बाद बेटी के घर वापस आने से पूरा परिवार बहुत खुश है। न्यूज़